नमस्कार, दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। मैं कुंभलगढ़ हूं, राजपूत वीरता का बुलंद प्रतीक। इस गढ़ के नाम का यहाँ के वातावरण से संबंध होना चाहिए। हाँ, नीचे तराई में जो गांव है उसका क्या नाम है? मच्छिंद्र महाराज। बस, तो उस गढ़ का नाम होगा मच्छिंद्रगढ़। मच्छिंद्रगढ़, इतने छोटे से गढ़ का इतना लंबा नाम, और सिर्फ नाम ही नाम, काम कुछ नहीं। मुझे बनाने वाले खुद चल बसे, मैं यूं ही तन्हा निर्जन खंडहर बन गया। लगा संसार ने मुझसे मुंह फेर लिया हो। मैं भी पीठ मोड़कर एक लंबी नींद सो गया, 1500 वर्ष लंबी और गहरी नींद। और उस नींद में मैं एक ही सपना बार बार देखता रहा। भविष्य के बारे में क्या जानती हो? सब कुछ जानू, थारो छोरो कुल रो नाम रोशन करेगो। सो तो है, हमीर बड़ा होकर योद्धा बनेगा। योद्धा नहीं, अरे राजा बनेगा, राजा। देख लेना रानी, चारिणी कभी झूठ ना बोले हैं। हे देवी माँ,
पर ये तो असंभव है। असंभव संभव बन गया। हमीर के बड़े होते होते मेवाड़ के शत्रु भी बढ़ते गए। फिर एक के बाद एक राणा लक्ष्य सिंह, राणा हरि सिंह और अन्य सभी पुत्र व पोते युद्ध में शहीद हो गए। बचा तो केवल हमीर। चारणी की कही बात सच होने का समय आ गया। जालौर के महाराज मालदेव अलाउद्दीन खिलजी के साथ संधि कर चुके थे। ये जानकर कि हमीर मेवाड़ की गद्दी संभालेंगे, उन्होंने अपनी बेटी सोनकरी का विवाह हमीर से करने का निश्चय किया। चकित हुए। यही नहीं, मैं विधवा भी हूं। क्या आपके पिता ने यह सत्य छुपाकर मुझसे कपट किया और आप भी इसकी भागीदार बनी? इसे कपट ना कहिए। पिताजी ने मेरी सुरक्षा के लिए ये किया और मैंने भी ये विवाह स्वीकार किया। आप जानते हैं क्यों? मुझे विश्वास हो गया, आपका और मेरा जन्म जन्म का संबंध है। जन्म जन्म के फेरे और सात फेरे इस जन्म के। यदि ऐसा है सुनकरी, तो मैं भी ये विवाह स्वीकार करता हूं। कांधे से कांधा मिलाकर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मुझे मेवाड़ की गद्दी संभालनी है। मैं जानती हूँ आप राणा हैं, महाराणा बनेंगे। आज से सिसोदिया वंश मेवाड़ की राजगद्दी पर विराजमान हुए हैं। आज से राणाओं के सरदार महाराणा बुलाए जाएंगे। समय बीतता गया। महाराणा आए, महाराणा गए और फिर वो दिन आया जब वो आया। मेरे सपने पूरे करने वाला, मुझे पुनर्जन्म देने वाला महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा भी है।
वीर राजपूतों, महाराणा अवश्य बनाओ, किंतु आपकी भांति मेरा मन भी दुख क्रोध से मेरे पिता महाराणा मोकल की 3 चांडालों ने हत्या कर दी। चाचा मापा और वीरा को मैं देशद्रोही घोषित करता हूं तथा प्रण करता हूं, जब तक उन्हें ढूंढकर मृत्यु दंड नहीं देता मैं पल भी शांत नहीं बैठूंगा। जाओ हर दिशा में उनका पता लगाओ। क्रोधित कुंभा उन 3 भेड़ियों का पीछा करता करता पाई कोसरा पहाड़ी चढ़ रहा था कि एक खूंखार शेरनी उसके सामने आ कुंभा अपना खंजर निकालकर उस पर हाथ धोया और पलक झपकते ही वो शेरनी जमीन पर ढेर हो गया। बेचारी शेरनी अगर कुंभा के क्रोध को जानती तो शायद गुफा से ही न निकलती। खिलजी को संदेश भेजिए कि हम इस पूर्णिमा की रात उनसे भेंट करना चाहते हैं। सुल्तान महमूद खिलजी, सुना है महापा को आपने शरण दी? बिल्कुल सही सुना है। कदाचित आप ये नहीं जानते कि महापा ने घोर अपराध किया है, वो हमारा शत्रु है। शायद आपको खबर नहीं, महापा को हमने पनाह दी है, अब वो हमारा दोस्त है। मित्रता का भारी मोल चुकाना पड़ेगा तुम्हें सुल्तान। अंजाम की परवाह बुजदिल किया करते हैं कुंभा, हमारे दोस्त की तरफ आंख उठाकर भी देखा? सावधान खिलजी, लगता है तुझे प्राणों से मोह नहीं। जल्दी ही मैं उस नीच मापा को लेने आऊंगा। भागो, बचाओ, कुंभा ने पांडव किले पर कब्जा कर लिया है। मेरे आका, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, हथियार डालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम ठीक कहते हो करीम, इस वक्त जुनून के बजाय दिमाग से काम लेना होगा। कुंभा से कहो हम सुलह की दरख्वास्त करते हैं। सुल्तान खिलजी, मैं इस बार आपको क्षमा करता हूँ और जीते हुए क्षेत्र वापस करता हूँ। बड़ी मेहरबानी हुजूर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। किंतु याद रहे, ऐसी भूल फिर कभी ना। मेरी तौबा। बेअदबी माफ मेरे आका, ऐसी जिल्लत और वो भी एक दुश्मन के हाथों। कुंभा को बहुत गुरूर हो गया है। खाक में मिला दूंगा उसका ये गुरूर, नेस्त तो नाबूद कर दूंगा मेवाड़ की सरजमी को। कुंभा, मैं तेरी मौत बनकर आ रहा हूं। लेकिन महाराणा कुंभा ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उन्हें शक था कि खिलजी बाज आने वाला नहीं। जब खिलजी ने फिर आक्रमण किया तो कुंभा भी पूरी तरह तैयार थे और दुश्मन ने भूखी खाई। यह महसूस हुआ कि मेवाड़ को और भी सुरक्षित करने की जरूरत है। उन्होंने तुरंत राज्य के मशहूर वास्तुकार मदन सूत्रधार को बुलवाया। खमागणी हुकम, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मदन सूत्रधार, आपने गढ़ और महल बनाने में बहुत यश कमाया है। मैं चाहता हूँ मेवाड़ में शीघ्र अति शीघ्र 52 नए गढ़ बनाए जाए और 32 गढ़ जो है उन्हें और समर्थ। विशेष रूप से यहाँ इस मच्छिंद्रगढ़ को एक ऐसा गढ़ बनाइए जो इतना विशाल और अभेद्य हो जिसे कोई जीत न सके, जो सदा एक अजेय दुर्ग कहलाए। अवश्य बनेगा हुकम, बस एक विनती है कि उसका नाम कुंभलगढ़ रखा जाए। ठीक ही तो है, कुंभलगढ़ और मैं जुड़वा भाइयों की भांति मेवाड़ की रक्षा करेंगे। मेरा सपना पूरा होने लगा।
नया जन्म, नया रूप, नया नाम। लेकिन मैंने सुना है कि मुझे बनाते समय शुरुआत में एक अनोखी समस्या सामने आई। ज्ञान सिंह, ये दीवार फिर से गिर गई? जी मदन जी, पिछले 6 दिनों से यही हो रहा है। रात को कोई यहाँ आता भी नहीं, फिर भी कोई बता रहा था इस पर्वत पर एक देवी का प्रकोप है। तो हम उसे प्रसन्न कर देते हैं हवन से, पूजा पाठ से। नीचे रणकपुर गांव में एक मेड़ बाबा हैं, केवल वे ही इस समस्या से मुक्ति दिला सकते हैं। मुक्ति का एक ही उपाय है, नरबलि। नरबलि? नरबलि बाबा? नहीं तो दीवारें बनती रहेंगी, गिरती रहेंगी। किंतु बाबा, बलि वेदी पर कौन अपने आप को न्योछावर करेगा? ऐसा व्यक्ति तुम्हारे सम्मुख बैठा है। मेड़ बाबा, आप? ये जीवन तो एक माया है और ये शरीर एक मैला वस्त्र। मैं इस वस्त्र को उतार फेंकने के लिए कब से उत्सुक हूँ। परंतु बाबा, मेरा आदेश ध्यान पूर्वक सुनो और वही करो जो मैं कहता हूँ। कल सवेरे सूर्य उदय होने से पहले। मैं पहाड़ी चढ़ूंगा, आप मेरे पीछे पीछे आए। जहां मैं पहली बार रुकूं, वहां होगा गढ़ का प्रमुख प्रवेश द्वार। मैं फिर चलूंगा, ज्यों ही मैं दूसरी बार रुकूं, वहां तुरंत मेरा सर तलवार से गिरा देना। जहां मेरा शीश गिरे, वहां देवी का मंदिर बनेगा। मेरा शेष शरीर फिर भी जलता रहेगा तथा पूरे गढ़ की सीमा निर्धारित करेंगे। मेड़ बाबा ने अपने प्राणों की आहुति देकर मुझे नया जीवन बख्शा। ये अवश्य हुआ होगा, क्योंकि आज भी मेरे एक एक पत्थर में, हर कुंड और पोल में, ऊंचे महल और गहरी बावड़ी में उस देवी मां की शक्ति की अनुभूति है। महाराणा कुंभा ने एक विशेष वेदी बनाई और बहुत बड़ा हवन किया, ताकि केवल यही देवी नहीं, मेवाड़ की सभी देवी देवता प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। शांति शांति। मैं कुंभलगढ़ हूं, अभेद्य और अजेय। 8 अश्व संग दौड़ सके इतना जिसका विस्तार है, लगातार 25 मील मेरी लंबी दीवार है। अधिक खड़े पहरेदारों से मेरे तोरण द्वार है। देवी मंदिर, महल बावड़ी, सब मेरे श्रृंगार है। जब 4 साल बाद खिलजी ने फिर एक बार आक्रमण किया, तो प्रहरी की तरह मुझे खड़ा पाया। मेरी दीवारों से सिर फोड़ने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था और उसे मायूस होकर वापस जाना पड़ा। यही अश्व गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन का भी हुआ। उसे भी कुंभा और कुंभलगढ़ हम दोनों भाइयों ने मार भगाया। वर्ष था 1457। उसके बाद किसी दुश्मन ने मेवाड़ की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं की। युद्ध के बादल छट गए। महाराणा कुंभा ने कवच तलवार ढाल उतार फेंके। वो एक महान योद्धा के साथ साथ एक बेहतरीन लेखक, कवि और संगीतकार भी थे।